हाय स्टूडेंट्स, तो कल मैंने फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड किया था 9th स्टैंडर्ड के लिए। वैसे आप 10th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं या पहले के भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ही देख सकते हैं। बट सिलेबस अगर देखा जाए कि इनके सिलेबस का था, तो वो 9th का पहला वीडियो था। ओके, तो जो भी स्टूडेंट हैं, वेदर आप मेरे हमारे स्कूल के हो या फिर कहीं बाहर के हो, आप फॉलो हमेशा करते रहो, आपको मिलते रहेगा इस तरह से कंटेंट मिलते रहेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे अगर इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे तो। और एक और बात, जैसे मैंने एक पहले वीडियो में भी एक बात बोली थी कि क्या होता है, कुछ भी हम लोग नया करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं, तो फिर बहुत एक्साइटमेंट रहता है। वो नई चीज़ें को हम लोग करते हैं, मज़ा आता है। और फिर प्रॉब्लम डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है कि कुछ लोग उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उसके बाद छोड़ देते हैं। ये डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक होता है अनसक्सेसफुल आदमी में। ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जो लोग कंटिन्यू रखते हैं, किसी भी चीज़ को हमने स्टार्ट किया है तो हम उसे कंटिन्यू रखेंगे, उसे करते रहेंगे आगे तक। और भले ही अगर आपको हो सकता है बीच में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है, बट उसे कंटिन्यू रखना है। हमने आपसे बोला कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपने ज्वाइन किया, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, अच्छी बात है, अभी भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ऐसा नहीं है। बट ऐसा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट किए तभी उतना जितना एनर्जी से आपने स्टार्ट किया था और वो एनर्जी आपका कम होने लगे, है ना, धीरे धीरे कम होता जाए। तो ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए, आपके मन में ये एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि आगे और पढ़ना है ना। और किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट नहीं देखेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम हो रही है बस वही सोचते रहेंगे तो फिर कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे कि हमें किसी चीज़ से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो उन फायदे के बारे में सोचेंगे कि उससे क्या क्या सीखा जा सकता है, इसके बारे में सोचेंगे, है ना। आप वैसे ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिंपल बस वीडियो, नॉर्मल सा ये वीडियो बस कहीं से डाउनलोड हो जा रहा है, ऐसा तो है नहीं। उसके लिए रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके लिए आपको एक्चुअली प्रॉपर पढ़ाना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, फिर बनाते हैं ये वीडियोस। तो आपके लिए उतना मेहनत किया जा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उतने अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ही है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गार्जियन भी, जो भी अगर पेरेंट्स देखते हैं, अगर देखते हैं पेरेंट्स, तो वो भी अपने बच्चों को बोलिए कि आप कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इस चीज़ को रोकना नहीं है, करते रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि हमें पता है नहीं कि लॉकडाउन कब तक रहने वाला है, क्या रहने वाला है। तो अगर पढ़ाई रुक जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, है ना। उम्र तो रुकेगा नहीं, उम्र तो बढ़ते रहेगा, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। हम लोग भी इसी तरह कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग भी कंटिन्यू देखते रहो, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, सारे चैप्टर्स आप देखते रहिए, उसके होमवर्क करते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो आज मैं ये 10th का फिजिक्स का पहला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, है ना। और सब कुछ अच्छा रहा तो धीरे धीरे मैं केमिस्ट्री भी हम हमारे तरफ से अपलोड और भी अच्छे तरीके से होने लगेगा। मैथ्स होता रहा था, मैथ्स का बहुत सारा दिया, आप उसका होमवर्क कीजिए, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और हर वीक अब मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स भी मैं अपलोड करूँगा, ओके। तो आज 10th का जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स मैं एक साथ कवर कर दूंगा, उसमें से पहला होगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, घर में बिजली आती है, उसका यूज़ करते हैं आजकल हर चीज़, बहुत पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है कि नहीं, आप सबको पता है। तो उसके बारे में स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक से, डीप में हम लोग स्टडी करेंगे कि इसके बारे में ये होता क्या है, किस तरह से हम लोग चार्जेस के चार्ज को डिफाइन करते हैं, किस तरह आगे और फॉर्मूलाज आते हैं, इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे हम लोग, आराम से करेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सबको पता है क्या होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से चार्जेस जो मूव करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, धीरे धीरे फिजिक्स है तो डेफिनेशंस तो होंगे ही, और डेफिनेशन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी से चीज़ें समझ में आती हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आप लोग मन में सोचिए, अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बोल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि कुछ पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है,
ध्यान से सुनना, कुछ जो पार्टिकल होती है, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। मैं आपको और भी डिटेल में समझाता हूँ। अब जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है, मैंने यहाँ जो टर्म यूज़ किया फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो क्या होता है, वो आप सबने हो सकता है सुना होगा, केमिस्ट्री में सुना होगा स्टार्टिंग के चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड उसके अलावा और भी होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब इसके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना, उसकी वजह से हम लोगों को डिफाइन किया जाता है, किसको, उसकी वजह से डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ें भी क्या होती है, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करा दूंगा। तो पहले इसका मैं डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक चार्ज मे बी डिफाइंड एज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन, मैं आपको समझाऊंगा भाई ये क्या होता है, सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एट्सेट्रा। ठीक है, ड्यू टू विच दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, जो बात मैंने बोला था बस उसे मैंने लिख दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं हम लोग, इसको डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा, उनकी वजह से जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसकी जो इन सब चीज़ों की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होती है, अब आपके मन में आएगा कि इंट्रिंसिक क्या होता है, कि किसी चीज़ का जो नेचर है, एक तरह से बोला जाए, जिसका स्वाभाविक प्रवृत्ति बोल बोल सकते हैं इस चीज़ को, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को बोल सकते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति, जैसे हर चीज़ का स्वाभाविक एक काम होता है, जैसे आपको अगर कोई कुछ कोई यहाँ पे आपको एक अगर काटेगा समझ लो, मतलब आपको सपोज कोई एक किसी चीज़ से चोट लगती है तो क्या होगा, एक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी कि आपको थोड़ी सी दर्द होगी वहाँ पे, या फिर आप कुछ आवाज़ वहाँ पे निकालोगे, है ना, या फिर और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अगर एक हम लोग गोट का देखें, बकरे का देखें, तो क्या होता है वो कि वो आवाज़ किस टाइप का निकलता है, उसका आवाज़ फिक्स होता है कि वैसा ही निकलने वाला है, तो इन चीज़ों को बोल सकते हैं कि हाँ वो इस तरह से उसका ऑलरेडी इंट्रिंसिक, उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो ऐसा करेगा ही। कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी वही होता है, उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो सर्टेन कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो एटम के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर रहते हैं, आपको भी पता है ये एटम्स के अंदर रहते हैं, तो उन एटम्स के अंदर के इन पार्टिकल्स का जो खुद का कुछ प्रवृत्ति होता है, उन प्रवृत्ति के वजह से कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं, है ना, कुछ चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है, मैग्नेटिक भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैग्नेटिक चार्जेस भी होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बट स्टार्ट अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ही इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलता है। ठीक है, इस तरह से उसे डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बॉडी है वो किस चीज़ से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, एटम क्या, परमाणु से मिलके बना है। ठीक है, अब परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, परमाणु में क्या होता है, मीन्स एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है ना, एटम में ये तीनों चीज़ें होती है, एटम में ये तीनों चीज़ें होती है। अब क्या होता है कि अब मैं बताता हूँ कि तीनों का आपको यहाँ सुनना ही है अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ें आपने मुझे लगता है ऑलरेडी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये तीनों चीज़ों में किस तरह से किसी एटम में रहता है, अब एटम मैंने क्या बताया, ये पूरी दुनिया एटम से ही मिलके बनी है, जैसे कोई भी ह्यूमन भी है तो ह्यूमन में भी बहुत सारे एटम्स ही हैं,
अब उस एक एटम के अंदर, उस एटम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, मेनली पहला इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस एटम के इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते रहता है कि नहीं? इस तरह से आप बेसिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा अच्छे से देखोगे कि इस तरह से वो घूमते रहता है, ठीक है। और बीच में उसका होता है केंद्रक, सेंट्रोइड होता है। उस जो बीच का टर्म होता है उसमें रहता है फिर प्रोटॉन, उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, और उसमें रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो किसी एटम में उसका जो सेंटर है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और बीच में प्रोटॉन है और बीच में न्यूट्रॉन भी है। तो ये जो चारों तरफ, इस तरह से कोई भी परमाणु की संरचना होती है। अब आपने ये भी एक लैब में किस तरह से आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ा होगा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे थोड़े बहुत, या फिर पढ़ेंगे हो सकता है, तो उसमें आप ये पढ़ेंगे कि इस तरह से रिसर्च किया गया था कि किसी भी एक एटम को रख दिया गया, उस पर बहुत सारे एक्सरेज ऐसे डाले गए, फिर देखा गया कि वो इधर से तो निकल जा रहा है ना, इधर से भी निकल जा रहा है, फिर बट बीच के पार्ट में उसका क्या हो जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से कुछ टर्न हो जा रहा है, फिर इधर जा रहा है कुछ टर्न हो जा रहा है, फिर इधर जा रहा है कुछ तो लौट के वापस ही आ जा रहा है। ऐसे सब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे ये पता चला कि कोई भी जो एटम होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और बीच में कुछ ऐसा हो, बीच में कुछ तो पार्ट उसका रहता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन कहते हैं और न्यूट्रॉन कहते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है मीन्स उसमें उसकी संरचना जो हुई रहती है वो नेगेटिव चीज़ों से हुई रहती है ना। पार्टिकल्स कुछ होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और वो घूमते रहते हैं, और जो बीच में रहता है ना वो पॉजिटिव रहता है, मीन्स प्रोटॉन जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है। इन चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप में आप डिस्कस करोगे केमिस्ट्री में। तो प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। मैंने तीन बातें बोली, इलेक्ट्रॉन बोला, प्रोटॉन बोला, न्यूट्रॉन बोला। इलेक्ट्रॉन क्या बोला, वो चारों तरफ घूम रहा है, वो नेगेटिव चार्ज है, और जो बीच में है वो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या है, प्रोटॉन है, और बीच में ही एक और है जो न्यूट्रल है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो चारों तरफ घूम रहा होता है और जो बीच में होता है, मीन्स नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस दोनों इक्वल होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। इसीलिए जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं दुनिया में, जितने भी बॉडीज़ हैं दुनिया में, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी चीज़ें हैं दुनिया में, सब न्यूट्रल रहता है जनरली, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल है। अब वहीं पे वो बॉडी चार्ज्ड हो जाता है, ऐसा बोला जाता है कि वो बॉडी चार्ज हो गया, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, कुछ भी दूसरे टाइप का भी चार्ज आ गया, वो कब आता है, जब कहीं पे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन से, या कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से, उस केस में चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उस केस में बोलते हैं कि हाँ वो वहाँ पे बॉडी पे चार्ज हो गया। अब आपने एग्जांपल देखा होगा कि आप एक कॉम्ब लेते हो, कंघी लेते हो, उसको सर पे रगड़ते हो पीछे से साइड से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब सूखे बाल में, तो क्या हो जाता है, और फिर उस कंघी को नीचे छोटे पेपर के टुकड़ों पे लाते हो तो उस पे वो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, चार्ज प्रोड्यूस हो गया वहाँ पे। क्यों चार्ज प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, वो भी हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। या फिर और भी दूसरे एग्जांपल भी आपने देखा होगा कि हम लोग अगर एक चेयर पे बैठे रहते हैं, अगर हाथ पे थोड़े से हेयर हैं अपने, तो वो उसको थोड़ा सा रगड़ते हैं उस पे, तो फिर वो हेयर्स भी थोड़े, हेयर भी थोड़ा क्या हो जाता है, कुछ वो स्ट्रेट होने लगता है, और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो फील होता है, वहाँ भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है कि नहीं। चार्ज प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा छेड़ा, तो दोनों तरफ से दोनों बातें हुई, दोनों तरफ से क्या हुआ, या तो इधर से इलेक्ट्रॉन कुछ उधर चला गया, या उधर से इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफ़र हो गया, उस वजह से क्या हो गया, वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं रहा, दोनों इक्वल नहीं रहा, तो फिर वो क्या हो गया, या तो नेगेटिव ज़्यादा हो गया या पॉजिटिव हो ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने क्या बातें बोली थी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन किधर रहता है, सेंटर में रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहता है। ये सब संरचना मैंने आपको दिखाई, ठीक है। तो बेसिकली बैलेंस बना के रखता है कौन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और अगर उस चीज़ को हम लोग डिस्टर्ब करेंगे या वहाँ से निकालेंगे या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ये तीनों चीज़ें हो सकती है ना, या तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे या हम लोग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ये दो बातें हो सकती है। तो उस केस में कुछ नेट चार्ज उस पर क्रिएट हो जाता है, या तो वो निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डालेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
है ना, वो डिपेंड करता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं या फिर उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज, यहीं पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज ये क्या होता है। अब यहाँ पे मैं चलो नोट्स में भी, आपके नोट्स के लिए मुझे बनाना है तो नोट्स के लिए मैं लिख देता हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दे आर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखेंगे, अ बॉडी, अ बॉडी हैविंग डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी हो गई, है ना, डेफिशिएंसी मीन्स क्या हो गया, कमी हो गई। तो मीन्स कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक पार्टिकल है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो आप खुद ही सोचो इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, मीन्स वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अब खुद भी अब खुद मन में आप बोल सकते हो कि अ बॉडी हैविंग एक्सेस, मतलब ज़्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या हो गया, वो नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया। ओके, ये हो गया बेसिक बात है। अब कई एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, हम लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा हूँ और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार लिखना है, अगर कॉम्पिटिशन हो तो उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए, दोनों में वो बातें हो जाती है। तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि किस तरह से चार्जेस क्रिएट होता है, तो उसके मैं दो चार एग्जांपल लिख देता हूँ। देर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी, चार्ज अ बॉडी मतलब आप समझ रहे होगे पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या हो सकता है, पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आप भी देखते होंगे कि अगर दो हाथ को भी रगड़ते रहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है, घर्षण, घर्षण मतलब क्या हो गया, ऐसे रगड़ना किसी चीज़ को, तो अगर वो फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्ज क्रिएट किया जाता है तो देखे होंगे आपने कि वहाँ पे गर्म आ जाता है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, मीन्स चार्ज पैदा हो जाता है वहाँ पे, उस वजह से थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी बस लिख देता हूँ चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट हम लोग जितना चीज़ें समझ में आता है वो क्या होता है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन आराम से क्या क्रिएट करता है, चार्ज क्रिएट करता है। कंडक्शन मीन्स क्या हो गया कि कंडक्शन, अगर आपको थोड़ा सा सोचना है कि कंडक्शन क्या हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा डाल देना, प्रवाह कर देना, ऐसे वहाँ पे बोलते हैं ना चार्ज डाल देना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है मतलब चार्ज जैसे चलते जा रहा वही कंडक्शन हो गया, इंडक्शन भी उसी टाइप का हो गया। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज क्या होता है, है ना, चार्ज किस तरह से पैदा होता है ये भी देखा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा, हम लोग वहाँ जनरली अभी यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में ही पढ़ने वाले, फ्रिक्शन से जो चार्ज आएगा अभी हम लोग वही देख रहे हैं, कोई बोलेगा कि अच्छा सर एक बात बताओ, अभी आपने एग्जांपल दिया कि एक सर पे हम लोग बाल को मतलब सर के बाल पे अगर कंघी रगड़ेंगे तो चार्ज तो आएगा, चार्ज बालों पे भी आएगा, चार्ज कंघी पे भी आएगा, है ना, तो जनरली क्या होगा, क्या दोनों पे नेगेटिव चार्ज होगा या दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप ही बोलो, उधर से इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफ़र होगा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा कुछ, मीन्स एक पे अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ वो एक्साइटेड हो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कुछ पे बैठ गया, कुछ पे उधर ज़्यादा बैठ गया, कुछ भी हो सकता है, एक पे ज़्यादा हो गया, एक पे थोड़ा कम हो गया, बट चार्ज तो हो गया ना, है कि नहीं। तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी पे इक्वल चार्ज डेवलप हो जाता है। आप खुद ही सोचो, इधर से कुछ उधर चला गया, उधर से कुछ इधर आ गया, कुछ भी वो ये सारी बातें हो जाती है, है ना, तो दोनों पे क्या हो जाता है, इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होता है कोई भी दो बॉडी पे। मैं एग्जांपल आपको और भी बोलूँ तो कोई एक ग्लास रॉड है ना,
अगर एक ग्लास रॉड पे मतलब शीशे के रॉड पे अगर सिल्क कॉटन भी आप रगड़ोगे ना, तो दोनों पे क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस होता है, दोनों पे इक्वल चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके कोई आप वुलन का क्लोथ होता है, कपड़ा होता है जो मतलब स्वेटर वगैरह होता है, उस पर अगर देखोगे आप कोई रबर रॉड को रगड़ोगे, किसी रबर को रगड़ोगे तो अभी भी चार्ज पैदा होता है ना। या और भी वुलन पे आप कुछ भी प्लास्टिक रगड़ोगे तब भी चार्ज पैदा होगा। ओके और बहुत सारे तरीके हैं फ्रिक्शन से चार्ज पैदा करने के। ओके तो ये हो गया चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी उसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे होता है और मैं बोलता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं बताता हूँ आपको कि चार्ज की क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो क्या होता है, अब ये भी बहुत लोगों ने देखा होगा। पहला, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। मतलब अगर एक टाइप का चार्ज है तो एक दूसरे को रिपल्सन होगा वहाँ पे, मतलब दूर फेंकेगा, है ना। अब जैसे चुंबक होता है, एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट में आपने देखा होगा कि दोनों अगर एक ही तरफ वाले को, मीन्स दोनों पॉजिटिव चार्जेस को आपने वहाँ पे रख दिया तो दोनों एक दूसरे को दूर भगा देगा, है ना। और अगर दोनों डिफरेंट टाइप के हो गए, प्लस माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये बिल्कुल उसी की तरह है, दो बॉडीज़ की तरह है। जैसे हम लोग जब ये पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, या फिर हम ये पढ़ते हैं कि फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन से पहले फोर्स पढ़ते हैं क्या होता है, तो फोर्स के टाइम में आपको क्या बताया गया होगा, बताया जाता है या ये होता है कि कोई भी दुनिया की जो भी दो बॉडीज़ है जनरली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ना। जनरली दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो चार्ज के साथ भी वही होता है कि दोनों अगर डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब यहाँ बॉडीज़ भी दो डिफरेंट डिफरेंट लगभग होते हैं, जैसे सन भी होता है वो अर्थ को अट्रैक्ट किए जा रहा है ना, कुछ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ सन ही कर रहा है, दुनिया की हर चीज़ें उसको अपनी तरफ खींचती है। अब वो डिपेंड करता है कि दोनों में एक अगर बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा है, तो उसको पूरा ही अपनी तरफ खींच लेगा। वही होता है क्या, त्वरण, वही होता है एक्सेलरेशन, मीन्स कौन सा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। वो क्यों अपने को खींच लेता अपनी तरफ, क्योंकि ऐसा फिक्स है कि दुनिया की हर चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है ना। तो अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी, अगर दोनों लगभग बराबर ही रहेगा तो एक दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी उसको खींच रही है, वो भी इसको खींच रही है, सिंपल लॉजिक है। लेकिन वही एक बहुत बड़ी है तो वो ज़्यादा पावर से खींचेगी, एक कोई छोटा है वो कम पावर से खींचेगा, तो ज़्यादा पावर वाला छोटे को खींच लेगा अपनी तरफ। इसलिए अर्थ नॉर्मली हर चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। वही कहानी चार्ज के साथ भी होता है, अगर दोनों अलग अलग टाइप का चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ भी डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ें कि कैसे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट मैं यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ कि दो अगर सेम चार्जेस होंगे तो अपने को रिपेल करेंगे, मीन्स दूर दूर धकेलेंगे एक दूसरे को, और दो अगर डिफरेंट टाइप के चार्ज हो गए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, अदिश राशि। अब अदिश राशि आपने 9th में पढ़ा होगा, दो टाइप का होता है ना, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। अब दोनों में क्या होता है डिफरेंस, ये आपको पता है कि एक में डायरेक्शन होता है, एक में डायरेक्शन नहीं होता है, स्केलर में से डायरेक्शन नहीं होता है उसका कुछ, है ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल आपको समझने के लिए मैं बता दूँ। और सदिश में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है कुछ, मैग्नीट्यूड भी होता है। अदिश में क्या होता है कि डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में ये पढ़ते हैं, वैसे और भी डिटेल में और बातें भी होती है, वो जब हम लोग वेक्टर स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा या आगे 10th 11th में, तो और भी बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैथ्स का चैप्टर में, तो हम लोग और भी डिटेल में वो चीज़ पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बस इतना जानना है कि जो चार्ज होता है वो उसमें उसको स्केलर क्वांटिटी माना जाता है, ठीक है। चार्ज को क्या माना जाता है, स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये होता है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है। अब कंजर्व्ड क्या होता है कि उसको, वही बात हो गया कि कोई भी एनर्जी होता है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं हम लोग, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, मीन्स किसी तरह वो ट्रांसफर ही होगा इस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में,
ठीक है। और चार्ज भी जिस तरह से मैंने आपको बताया, अर्थ क्योंकि बहुत बड़ा है वो छोटी मोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। मीन्स क्यों खींचता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, मीन्स वजन उसका बहुत ज़्यादा है। तो चार्ज का भी वही सीन होगा, अगर बहुत ज़्यादा वजन का होगा हो सकता है कि उस पर ज़्यादा चार्ज पैदा हो, है कि नहीं। बट टोटल जो चार्ज का होता है, मीन्स अगर एक बॉडी है और दूसरी बहुत बड़ी बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, तो टोटल चार्ज वहाँ पे कंजर्व ही रहेगा। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि अलग से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पैदा हो जाएगा, ये होगा कि इधर से इलेक्ट्रॉन कुछ उधर ट्रांसफर होगा, उधर से इलेक्ट्रॉन कुछ इधर ट्रांसफर होगा, है ना, ज़्यादा ट्रांसफर हो जाएगा, कम ट्रांसफर हो जाएगा, बट दोनों को मिला के देखा जाए तो वहीं उतना ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है कि वो कंजर्व्ड रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पॉइंट कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ी सी प्रॉपर्टीज किसके बारे में, चार्ज के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे और डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा सा कि बताओ यूनिट क्या होता है चार्ज का। अब डिस्कस करते हैं यूनिट के बारे में, चार्ज का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यूनिट आपने ये भी 9th स्टैंडर्ड या और भी पहले पढ़ा होगा कि यूनिट क्या होता है। यूनिट मीन्स होता है कि मापने का एक तरह से पैमाना होता है, है ना। तो और उसमें भी टाइप देखा होगा आपने, SI यूनिट देखा होगा, MKS यूनिट देखा होगा, FPS, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर आप देखोगे हो सकता है। तो SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोलते हैं ना उल्टा, SI यूनिट ऑफ चार्जेस आपको पता ही होगा, चार्जेस कूलम्ब इसका SI चार्ज होता है, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, C के फॉर्म में। और यहाँ पे थोड़ा और डेटा मैं आपको दे दूँ कि वन कूलम्ब होता है। अब बोला तो ये गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज है ना, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 625 × 10^16 इलेक्ट्रॉन। अब आप समझो, अब एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज उस पर एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर एक्स चार्ज है या एक चार्ज है, तो एक कूलम्ब पे जो चार्ज होता है वो 625 × 10^16 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। सोचो कितना ज़्यादा चार्ज हो जाता है 1 कूलम्ब, है कि नहीं। मीन्स उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1 कूलम्ब या 1 C इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन ऐसे भी लिख सकते हैं 6.25। अब आपको ही पता है कि 10^16 या 2 हटाया है तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो 1 कूलम्ब 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, ठीक है। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सपोज किसी पे एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 1 कूलम्ब का अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं क्या बोलूँगा कि प्लस वन सी चार्ज है। इट मीन्स ये भी बोल सकता हूँ कि उसमें 625 × 10^16 का इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझो कि इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी, नहीं होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक होगा तो उसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी मैं लिख देता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि वेन अ बॉडी हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन कूलम्ब, है ना, मीन्स +1 C, इट मीन्स दैट द बॉडी हैज अ डेफिसिट मीन्स क्या हो गया, अब आप समझ ही गए होगे, कमी। डेफिसिट मीन्स क्या हो गया, कमी, डेफिसिट ऑफ 625 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्रॉम, थोड़ा और भी अच्छे से लिख देते हैं, दी नॉर्मल
इनवाइट यू टू शेयर, मतलब शेयरिंग की वजह से नॉर्मल जितना होना चाहिए था उससे 625 गुना 10 रेज टू अच्छा यहाँ पे 6.25 कर देता ना, 10^18 लिखा है तो 6.25 इंटू 10^18 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, उस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जहाँ गया होगा उतना इलेक्ट्रॉन उस वजह से 1 कूलम का वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो चार्ज नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट किया तो चार्ज पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है तो इसलिए कन्फ्यूज बिल्कुल मत करना, इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव होगा, सिंपल भाषा में बात करें तो। ओके, अब देखते हैं आगे जो मेन थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, कूलम्स लॉ और फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है, आपने देखा भी होगा थोड़ा, ये उसके जैसा ही होता है जब हम लोग फिजिक्स में थोड़ा मास सबके बारे में देखते हैं कि मास क्या होता है, दो मास के बीच का न्यूटन्स लॉ ने क्या बताया था, तो न्यूटन ने जो बताया था दो बॉडीज़ के बारे में, दो बॉडीज़ मीन्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बारे में रियल लाइफ में, वही कूलम्ब ने चार्ज के बारे में बताया, बिल्कुल वैसा ही कुछ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के, ध्यान से सुनना, मतलब कि दो चार्ज हैं दोनों का कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर क्या, फोर्स बिटवीन दोज पॉइंट्स। वापस से बोलता हूँ, अब जैसे मैंने बोला कि अर्थ आपको खींचता है, अर्थ हर चीज़ को खींचता है, तो अर्थ क्यों खींच लेता है, क्योंकि उसका बॉडी मास बहुत ज़्यादा है, उसका मास उसका वजन बहुत ज़्यादा है इसलिए वो खींच लेता है, तो उस केस में भी क्या हो गया कि उन दोनों के बीच फोर्स लगा, कोई भी दो बॉडीज़ के बीच फोर्स लगा, तो फोर्स ज़्यादा होगा अगर मास ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, वही कहानी चार्ज के साथ भी होती है कि चार्ज कितना है वहाँ पर 1 कूलम्ब है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो कितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वो डिपेंड करेगा कि फिर उन दोनों के बीच फोर्स कितना है, मीन्स फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, अगर दो चार्ज के बीच फोर्स की बात करें तो वो उतना ज़्यादा होगा जितना उन दोनों का चार्ज अमाउंट है, अगर 5 कूलम्ब है तो जितना चार्ज, दो बॉडी है दोनों का, दोनों पे चार्ज है 5 कूलम्ब 5 कूलम्ब, दोनों के बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स को अगर हम लोग बोलें एक्स, और दो दूसरा चार्ज है जिसके बीच जिन दोनों का मास है 10 कूलम्ब, तो फिर उस रेट से ही फिर उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो इससे पहले वाले केस से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा वो भी डिस्कस करेंगे, तो यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिस तरह से मास बढ़ाएंगे, जिस तरह से उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, मास किसके केस में, न्यूटन्स लॉ के केस में, और यहाँ कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे चार्ज का, तो जिस हिसाब से मैग्नीट्यूड तुम चार्ज का बढ़ाओगे वैसे ही उन दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ता जाएगा, तो यही कूलम्ब ने बताया था कि इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, इतना हो गया। एंड इसके अलावा दोनों के बीच दूरी जो होगी, दो चार्जेस है दोनों के बीच जो दूरी होगी, जैसे ये एक चार्ज है ये एक चार्ज है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड Q1 चार्ज है, इसका Q2 है, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे पढ़ते हैं ना, Q1 Q2 होगा, और वही फोर्स इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² होगा, ये चीज़ आपने उसमें पढ़ा होगा, सेम ऐसा ही किसमें, न्यूटन्स लॉ में, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, अगर ध्यान से अब वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब इक्वल करते हैं ना तो वो हो जाता है F=K, कुछ कांस्टेंट आ जाता है, प्रोपोर्शनल है तो कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, है ना, तो F=K × Q1 Q2 / r²
ये किसकी सच्चाई है? ये सच्चाई है कूलम्स लॉ की। कूलम ने बताया था Q1 Q2 के बीच का फोर्स का अमाउंट इतना होता है। इसका स्टेटमेंट आपको लिखने का मन कर रहा होगा कि स्टेटमेंट जो आपने बोला था वो सर लिख दीजिए ना, तो मैं बोलूँगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये जो मैंने लिखा वहाँ पे फॉर्मूला में उसी को यहाँ मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और कोई बोलेगा कि सर वो फोर्स फिर लगेगा किधर, तो वो उनके बीच ही लगेगा, है ना, देम। ठीक है, यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ कि एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म में उसे क्या बोलेंगे, F=K Q1 Q2/R2। ये क्या है, कूलम्स लॉ। ठीक है, अब बोलोगे कि सर K क्या है, तो एक कांस्टेंट होता है, और पूरा डिफाइन करके मीन्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेरिमेंट करके ये पता किया गया कि K का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं बोलूँ Q1 Q2 11 कूलम्ब ले लिया जाए, ठीक है, उस हिसाब से कुछ करके और दोनों के बीच डिस्टेंस कुछ रख के, मीन्स जनरली अगर देखा जाए तो वो के का जो वैल्यू आएगा वो, तो के तो कांस्टेंट है, मैं लिख देता हूँ वेयर के इज अ कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनल की वजह से आया था ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में लिख देता हूँ, वही बोला जाता है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, ये आप याद रखना। और K का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है, K=9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब सवाल उठता है कि ये और कुछ भी होता है क्या क्या, तो एक और टर्म से उसको डिफाइन किया जाता है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, नॉट मीन्स क्या होता है, जीरो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पे, आप करके देख लेना, यही होगा ना, ये के का वैल्यू ये रख दो तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ जाएगा, तो उसका वैल्यू जो आएगा वो होगा 8.854 × 10⁻¹². आप ही सोचो, ये वहाँ पे रखोगे तो क्या सी पे क्या हो जाएगा, माइनस सी उधर चला जाएगा, और एन पे क्या आएगा, -1, एम पे क्या आएगा, -2। ठीक है, और इसको बोला जाता है इज एब्सोल्यूट। अब ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, मुझे पता है कि ये सब सवाल आपके मन में आएगा, लेकिन उसको अभी बांध के रखो, क्योंकि आगे फ्यूचर स्टडीज़ में उसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका वैल्यू ये सब कहाँ से आया, क्या आया। अभी आपको फ़िलहाल ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी और बाद में जाके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी। ठीक है,
ऐसा बोला जाता है, इसको टर्म दिया जाता है। आपको ये बस याद रखना है और ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, बाद में डिटेल स्टडीज़ में ये से पढ़ा जाएगा। ओके, ये हो जाता है। और मैंने ये भी बताया आपको कि दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो एक दूसरे के अलॉन्ग होता है। एक दूसरे का अलॉन्ग मीन्स अगर यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, तो इनके फोर्स कैसा लगेगा आप ही बताओ, इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा? दोनों अगर अपोजिट के हो गए तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, है ना। दोनों अगर प्लस हो, ये दोनों प्लस माइनस हो गए तो ओके। और वही अगर बोला जाए कि दोनों के बीच ऐसे बताओ कि दोनों ऐसे ऐसे किधर लगाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये इस पे इधर लगाएगा, है ना, और ये इस पे इधर लगाएगा, बट वो स्ट्रेट लाइन में होगा। अगर ऐसे 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 तीन चार्ज लगाए तो ये इस पे इधर लगाएगा, ये भी इस पे इधर लगाएगा। अब यहाँ पे याद काम आएगा अपने को क्या, कि इन दोनों को ऐड करके मेन उनका फोर्स इस पे दो टाइप का लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, ठीक है। और आगे इसको एग्जांपल के थ्रू मैं और अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा डीप स्टडीज़ किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। ओके, अब इस पर मैं एक दो एग्ज़ाम्पल आपको कराता हूँ, ठीक है। देखो एग्ज़ाम्पल, चार्ज Q is placed, उसके बाद उसके साथ और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। A charge Q is placed at each of the opposite corners of a square. क्या समझ में आया, एक स्क्वायर के सारे कॉर्नर के अपोजिट में हम जो भी कॉर्नर्स हैं उसके अपोजिट में हम लोगों ने क्या रख दिया, चार्ज रख दिया, ठीक है। चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड स्मॉल क्यू आ गया एट ईच ऑफ दी अदर टू कॉर्नर्स, समझे ना, दो कॉर्नर पे कैपिटल क्यू, बाकी दोनों पे स्मॉल क्यू, अदर टू कॉर्नर्स। इफ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज़ ज़ीरो देन क्यू बाय क्यू इक्वल्स Q by Q equals what, मतलब Q by Q किसके इक्वल होगा। तो देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एक स्क्वायर मतलब वर्ग है, उसके इस कॉर्नर पे Q चार्ज रखा है, इस कॉर्नर पे भी Q चार्ज रखा है, इस पे स्मॉल Q रखा है और इस पे भी स्मॉल Q रखा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बताओ जो Q होगा इस पे अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तो Q बाय Q का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि कैसे हम लोग टोटल कितना फोर्स लगेगा। तो एक बात बताओ, ये Q जो है, ये वाला Q, इस Q पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और कितना फोर्स लगाएगा, अभी मैंने पढ़ाया था इतना फोर्स लगाएगा, तो उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये जो इधर लगाएगा वो क्या लगाएगा, के दोनों का मास का प्रोडक्ट क्यू इंटू क्यू बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस मैं क्या बोल देता हूँ, कुछ भी मैं मान लेता हूँ कि दोनों के स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्यू की बात करें, ये क्यू इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वो उस पे इधर लगाएगा तो क्या होगा, वो उस पे उधर लगाएगा तो क्या होगा, बताइए आप। वापस से के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, ठीक है। और इसकी बात करो ना, ऐसे जो लगा, अब ये क्यू क्यू पे कितना लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा, और वो कितना होगा, के पहला चार्ज क्यू दूसरा चार्ज क्यू बाय ए स्क्वायर। अब ये लेंथ कितना होगा, अगर ये ए है, ये ए है तो ये कितना होगा, रूट टू ए होगा, इतना तो पता होगा आपको, ये 90 डिग्री होता है, ये रूट टू ए का स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपको नेट फोर्स अब जीरो होगा, फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड किधर आएगा, मीन्स इन दोनों को ऐड करेंगे तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो इन दोनों का सम आपको भी पता है, कैसे फाइंड करते हैं, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, पता है ना, इनटू क्या हो जाएगा,
रूट टू हो जाएगा। आप बोलोगे सर रूट टू क्यों होगा, तो इन दोनों को सम करना है। तो आप खुद ही सोचो कैसे करते हैं इन दोनों का सम करने के लिए। याद करो, दो देखा था हमने, एक ट्रायंगल रूल देखा था, एक हम लोगों ने पैरेललोग्राम रूल देखा था। तो यहाँ पे अगर वो रूल भी अप्लाई करें तो सम कैसे करते थे, वो अगर f हो तो f, दोनों सेम ही हो तो f प्लस f है ना, प्लस 2f f इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90 है। याद आ रहा है कुछ, ऐसे ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने, रूट ओवर पहला फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला फोर्स इंटू दूसरा फोर्स, दोनों के बीच का एंगल। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, और भी दूसरे तरीके हैं ये फाइंड करने के, दोनों के बीच, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या है, 90 है। तो कॉस 90 तो जीरो होता है, ये जीरो हो गया। एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो गया, एफ इंटू रूट टू। एफ का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया और रूट टू यहाँ रख दिया, ठीक है। ये प्लस इसी डायरेक्शन में दूसरा क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर है ना। अब बोला है कि टोटल नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो नेट फोर्स मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। अब क्यू बाय क्यू का वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, क्यू इंटू रूट टू, क्यू इंटू रूट टू प्लस इधर से क्या बचा, क्यू बाय टू, क्यू बाय टू बचेगा ना, क्यू के तो चला ही गया, क्यू बाय टू ए स्क्वायर भी जा चुका है, ये इक्वल टू जीरो। इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, क्यू रूट टू प्लस क्यू बाय टू इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या होगा, क्यू रूट टू इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू। अब रेशियो चाहिए क्यू बाय क्यू का, तो क्यू बाय क्यू इक्वल टू ये टू उधर चला जाएगा माइनस टू रूट टू, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपको, क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो आप नाइन्थ में पढ़ चुके हो कि कैसे वेक्टर क्वांटिटी ऐड करते हैं, ऐसे वेक्टर है ऐसे वेक्टर, उनको ऐड करके कैसा आएगा, अगर दोनों का 90 डिग्री भी है, दोनों का क्वांटिटी भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और वो क्या होगा अमाउंट में, वो आपने देखा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और दो एक दो और क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आपको, जो आपको घर पे ट्राई करना है होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, पहला सवाल, टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन ईच वेइंग 1 mg आपको पता होगा मिलीग्राम, एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10^-6 कूलम्ब, 10^-6 कूलम्ब आर 1 cm अपार्ट। मीनिंग ये है कि दो स्मॉल पार्टिकल है कार्बन का, जो ईच का वेट 1 mg है, और दोनों कैरी कर रहा है कितना, 10^-6 कूलम्ब चार्ज, ठीक है, आर 1 cm। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 cm। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, किसी को डाउट हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही फोर्स होता है, ये वाला एफ जो था, उस एफ को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, दोनों के बीच का जो फोर्स लगा था, कौन सा, ये वाला, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ओके। किसने बताया था अपने को, कुलम भाई साहब ने बताया था। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, बहुत सिंपल है, के का वैल्यू पता है, क्यू वन का वैल्यू पता है, क्यू टू का वैल्यू पता है ना, डिस्टेंस आर का वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना है। एक और दे देता हूँ मैं क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डेटा, गिवन द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो थोड़ा सा अपने नाइन्थ में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सो दैट मतलब दिखाओ दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आपको ऐसा दिखाना है फॉर दी इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ सर्टन डिस्टेंस। मतलब कुछ डिस्टेंस पे अगर दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कुछ कुछ डिस्टेंस पे हैं सर्टन, एक मिनट जल्दी जल्दी में, सर्टन डिस्टेंस दो चार्जेस हैं। ठीक है, उसका डेटा मैं आपको लिख देता हूँ। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ठीक है, मास भी दे दिया, चार्ज भी दे दिया। अब देखो, अब उनके बीच का आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। उसके लिए क्या, दो चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। दो इलेक्ट्रॉन के बीच बोला है तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए, तो दोनों पे चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर अपने को दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की चाहिए तो वो क्या होगा, दोनों के मास की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दे दिया है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे आपको दूसरा कांस्टेंट भी जो मैंने के बताया था, है ना, 1/4 ε0 बताया था, याद है, किधर बताया था, इधर जो बताया था, ये तो हो गया क्या, यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया के का वैल्यू। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको मैं दे देता हूँ। वो कितना किया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर kg·2 होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, याद है, यहाँ पे क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कूलम की जगह क्या हो गया, कि कूलम अमाउंट था चार्ज का और ग्रेविटेशनल में अमाउंट क्या था, केजी था, तो वो हो गया। ठीक है, तो ये आपको सोच के बताना है, करके आना है, ये दो होमवर्क दिया मैंने। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए आप, और जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ठीक है, रुकना नहीं है और एनर्जी कम नहीं होने देना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।